हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है आपके मोनोपोली गो गेम में, वी आर सॉरी एन एरर ऑकर रिक्वायरिंग द गेम टू रीस्टार्ट। तो जब भी मैं अपने मोनोपोली गेम को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखा रहा है, वी आर सॉरी एन एरर ऑकर रिक्वायर द गेम टू रिस्टार्ट। तो ये प्रॉब्लम आती है वीक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें आज की वीडियो में, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे इस गेम को सर्च करना है। एक बार यहाँ से इसको अपडेट जरूर कर लेना है। अगर अपडेट ऑलरेडी अपडेटेड है, एक बार रीइंस्टॉल करें और इसके बाद इस मेथड को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डिवाइस की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाना हमें डेट एंड टाइम वाले सेक्शन पर। तो सिंपली सर्च कर लेना है यहाँ पर डेट एंड टाइम को, एंड इसको सर्च करने के बाद इसको ओपन कर देना है। और यहाँ पे यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम है ये ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है। और इसके बाद आपको जो डेट एंड टाइम है बिल्कुल एक्यूरेट कर लेना है। और यहाँ पे जो टाइम जोन बताया है, तो आप जिस भी जगह पे रहते हो वहाँ का आपको टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है और बिल्कुल एक्यूरेट होना वो ज़रूरी है, वरना ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंट्री आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कंट्री में रहते हो उस कंट्री का टाइम जोन और उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद टाइम फॉर्मेट है, 24 घंटे रखना चाहते हो 24 घंटे रखें या फिर 12 घंटे रखें, इसको एक बार चेंज करें। अगर 12 घंटे रखें तो 24 घंटे जरूर करें। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा जो सिम कार्ड में आपने रिचार्ज करवाया उस पर इनेबल कर देना है। उस पर आने के बाद एपीएन पे जाना है और एपीएन को रीसेट कर देना है। एपीएन को रीसेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे बैक आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो यहाँ पे हमें 4G या फिर LTE जो भी मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है और यहाँ पे हमें यूज वोल्ट का ऑप्शन दिखा है, इसको भी इनेबल कर देना है। और मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई ये वाला ऑप्शन है, इसको भी इनेबल कर देना है। ये सब करने के बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है और एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करते ही आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।